हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रिविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम सीखेंगे एक टेबल बनाना। लास्ट वीडियो में भी हमने टेबल बनाना सीखा था, लेकिन आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि टेबल के ऊपर हम कैसे ग्लास की एक स्लैब लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्योंकि फैमिली क्रिएट करनी है, तो हम फैमिली में जाएंगे, न्यू। न्यू में हम फर्नीचर चूज़ करेंगे, मैट्रिक फर्नीचर। आपके में हो सकता है केवल फर्नीचर हो, तो मैट्रिक फर्नीचर, ये रहा आपका मैट्रिक फर्नीचर। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो फ्रंट विंडो आई है, ये हमारा प्लान है, टॉप व्यू। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि मुझे जो टेबल बनानी है उसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर है लेंथ, और ये 1 मीटर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, RP रेफरेंस लाइन, उससे पहले मैं यूनिट चेंज करूँगा, यूनिट UN यूनिट, और मैं लेंथ चूज करूँगा मीटर्स में। RP से रेफरेंस लाइन, यहाँ पर 1 मीटर मैंने ऑफसेट में डाला, और ये मैंने 1 मीटर का ऑफसेट मार दिया। उसके बाद 0.500 का ऑफसेट मैंने ऊपर मारा है और नीचे मारा है, तो हमें ये मिल चुका है एक रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन मिल चुकी है, इसके ऊपर हम इस तरह से टेबल क्रिएट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे DI कमांड। ये हमारी मेज़रमेंट हो गई, सेम यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है लेफ्ट पोर्शन पर, सॉरी राइट पोर्शन पर, और यहाँ लेवल 1 है। 1 मीटर की टेबल है तो हाइट, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं RP 1 मीटर। ये बन चुका है, इसको टाइटल दे देते हैं यहाँ पे टॉप, ठीक है। अगर इसको भी मेज़र कर लेते हैं हम 1 मीटर। अब जाएंगे हम टॉप पे, यानी कि रेफरेंस लेवल पर, और यहाँ पे क्रेट में जाके, एक्सट्रूशन में जाके हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे और सेट प्लान करेंगे टॉप। और यहाँ पे हम रेक्टेंगल लेने के बाद ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लॉक लगा देते हैं, यहाँ ओके करते हैं। हम जाते हैं फिर राइट व्यू पर। ये हमारी टेबल का स्लैब बन चुकी है। अब हम इसकी थिकनेस को यहाँ पे डाल देते हैं -0.1, जिससे डाउनवर्ड आ जाए। इसके बाद 3D में आप चेक कर सकते हैं, हमारी बन चुकी है। फिर आते हैं रेफरेंस लेवल पर। अब हमें बनाने हैं लेग। लेग के लिए यहाँ पे हमें 50-50 mm के लिए रेफरेंस लाइन देनी होगी। हमने एज्यूम किया 50 mm स्क्वायर के आपके लेग, तो RP यहाँ पे ये ऑफसेट लिया 0.05, और ये ऑफसेट ये हो चुका है। अब हम क्रेट में जाएंगे, एक्सट्रूशन लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, और यहाँ पर हम इसको लेग्स को बना देंगे। लेग्स को बनाने के बाद हम जाएंगे राइट व्यू पर, और ये देखिए हम 3D में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमें लगाना है जॉइन, तो यहाँ पे जॉइन लेते हैं, पहले टेबल को फिर नीचे, जॉइन लग चुका है। अब क्या करना है, यहाँ तक तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। अब हमें यहाँ से इसको टेबल को कट करना है ग्लास रखने के लिए बीच में से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस लेवल पर जाएंगे और यहाँ पर क्रेट में जाके वॉइड फॉर्म्स है, इस पर क्लिक करेंगे, वॉइड एक्सट्रूजन, और यहाँ इनर कॉर्नर से रेक्टेंगल लेने के बाद ये सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, राइट व्यू पे जाएंगे। देखिए समझा दूं, यहाँ पर ये जो है आपकी, ये है टेबल की स्लैब, ठीक है, और ये जो हमने बनाया है अभी वॉइड फॉर्म एक्सट्रूशन बनाया है। अगर हम इस ग्रीन वाले को इस रेड वाले के अंदर ले आते हैं सेम थिकनेस, तो उतना ही कट जाएगा, लाइक
ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, अगर आप 3D में देखना चाहें तो देखिए। ठीक है, अब दोबारा रेफरेंस लेवल पर हम जाएंगे और एक्सटोर्शन से हम एक और टेबल बना देंगे। ठीक है, ओके। अब 3D में देखिए आप, ये बन चुकी है। राइट व्यू पे जाएंगे, इसके थिकनेस को ठीक करेंगे। ग्लास के थिकनेस कम है तो इसको यहाँ पे, ठीक है। अब हम 3D में जाएंगे इस तरह से और अपने इस ग्लास को सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल, और यहाँ पर ग्लास है इस पर डबल क्लिक, ओके। और अगर हम यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में जाएंगे तो आप ग्लास देख सकते हैं। अगर हमें इसको लगाना है मटेरियल, इसको देना है, तो मटेरियल यहाँ डिफ़ॉल्ट में जाते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी एक मटेरियल डिफ़ॉल्ट, केवल दिखाने के लिए। ये देखिए, तो इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं विद ग्लास। ठीक है, तो इसमें आप एक नया टूल सीखें जिसका नाम है वॉइड फॉर्म्स। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी थी कि मैंने यूट्यूब पे अपने इस इंजीनियर्स फॉर सिविल चैनल पे अदर वीडियोस भी डालनी स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स की वीडियोस पर बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे थे, बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे थे। तो सिविल की भी वीडियो डलती रहेंगी, लेकिन अदर वीडियो भी डलती रहेंगी, और जो अदर वीडियो होगी वो भी नॉलेजेबल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।